हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ ज्ञानवर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज इंजीनियरिंग लेक्चर में हम 2D फिगर कैसे बनता है वो देखेंगे। 2D फिगर मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं द्विविमीय आकृति। तो द्विविमीय आकृति कैसे बनता है आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि द्विविमीय आकृति क्या होती है। द्विविमीय आकृति मतलब वह आकृति जिसकी दो विमाएँ हों। जैसे तीन विमाएँ होती है, जैसे एक्सिस की बात करें तो जिसमें एक्स और वाई एक्सिस की बात हो, दो अक्ष की बात हो, तो उसे कहते हैं द्विविमीय। ठीक है, जिसे कहते हैं टू डायमेंशनल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल। अब द्विविमीय आकृति के अंदर कौन कौन सी आकृति आती है देखिए। द्विविमीय आकृति के अंदर जैसे बात करें तो आपका वर्ग आ गया, आयत आ गया, वृत्त आ गया, त्रिभुज आ गया, ठीक, या फिर आप देखो पंचभुज आ गया, षटभुज आ गया। ये सब कौन सी आकृति होती है? ये सब आपकी द्विविमीय आकृति होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक को बनाना सीखते हैं कि ये बनते कैसे, वर्ग कैसे बनता है, आयत कैसे बनता है, सर्कल कैसे बनता है, त्रिभुज कैसे बनता है, पंचभुज कैसे बनता है और षडभुज कैसे बनता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला शुरुआत करते वर्ग की। क्वेश्चन क्या आएगा? एक वर्ग की रचना कीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा? एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर या फिर क्या लिखा आएगा 40 mm की है। ठीक है, 40 mm की है। ठीक है, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 40 mm की है या फिर 4 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले किसी भी आकृति को बनाने के लिए उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने मेंसुरेशन में पढ़ा था, क्षेत्रमिति में पढ़ा था कि वर्ग वह आकृति होती है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है और जिसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे देखिए। उसने बोला 40 mm की एक भुजा है, तो 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सिंपल सी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री पर यहाँ पर एक लाइन खींचिए, 90 डिग्री पर यहाँ पर एक लाइन खींचिए और 90 डिग्री पर इस पॉइंट पर एक लाइन खींचिए। ठीक है, उसके बाद 4-4 सेंटीमीटर के दो चाप काटिए, 4-4 सेंटीमीटर के दो चाप। 4 सेंटीमीटर लिया, इस पॉइंट पर रख के एक चाप यहाँ पर और इस पॉइंट पर रख के एक चाप यहाँ पर। 4-4 सेंटीमीटर के दो चाप काट दिए। अब इस दोनों चाप को आपस में मिला देते, दोनों चाप को आपस में ठीक है। ये जो आकृति बनी, ये कौन सी आकृति बनी? ये वर्ग की आकृति बनी है। तो इसको बनने के बाद इसका करते हैं नेमिंग। नेमिंग मतलब इसका नामकरण। ए ये वाली भुजा, बी ये, सी और डी। ठीक है, और आपको मेज़र करके बताने कि ये जो आपने साइड बनाया वो साइड कितने का है, 40 mm की साइड है, 40 mm की साइड है। तो सिंपल है, वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग, या इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो इस तरीके से स्क्वायर बनाना। सबसे पहले 40 mm की लाइन खींची, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसके दोनों पॉइंट पर 90 डिग्री की दो लाइन खींची। ठीक है, उसके बाद 4-4 सेंटीमीटर के दो चाप काटे, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो 4-4 सेंटीमीटर के दो चाप काटे, दोनों चाप को मिलाने पर ये जो आकृति बनी है वो किसकी आकृति है, ये एक वर्ग की आकृति। ठीक है, यदि कभी आपसे पूछे कि इस वर्ग का केंद्र निकालो, इस वर्ग का केंद्र निकालो, तो इस वर्ग का केंद्र कैसे निकलता है देखिए। आमने सामने वाले शीर्षों को मिला दो, जैसे ए और सी, ये आमने सामने वाले शीर्षों को मिला दो, बी और डी, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते, ये दोनों लाइन जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते, उसे क्या कहते केंद्र, उसे क्या कहते
केंद्र, ठीक है। तो आपको वर्ग का केंद्र भी निकालना आ गया। वर्ग का केंद्र निकालने के लिए क्या करोगे, आमने सामने वाले शीर्षों को मिला दो। ये दो लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उसे क्या कहते हैं, केंद्र। उसे क्या कहते हैं, केंद्र, ठीक है। अगला देखते हैं हम आयत, कि आयत कैसे बनता है। तो आयत का क्वेश्चन कैसे आएगा, आयत का क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि एक आयत की रचना कीजिए जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई 50 mm तथा चौड़ाई 30 mm की हो, ठीक है। जिसकी चौड़ाई 30 mm की हो, ठीक है। एक आयत की रचना करनी है आपको जिसकी लंबाई 50 mm है और जिसकी चौड़ाई कितनी है, 30 mm की है, ठीक। तो क्या करोगे, सबसे पहले एक 50 mm की लाइन खींचो। सबसे पहले 50 mm की लाइन खींचेंगे, ये 50 mm की आपने एक लाइन खींची थी, ठीक है। इसको ए बी नाम दे दो, ये ए बी। और इस लाइन की लंबाई कितनी है, 50 mm। इस लाइन की लंबाई कितनी है, 50 mm, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ग के बारे में क्या पता, वर्ग वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे वर्ग की बात करें तो इसकी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन आयत की बात करें तो इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ये 50 mm है तो इसके सामने वाली भुजा भी 50 होगी। ये यदि 30 mm है तो इस तरफ वाली भुजा भी कितनी होगी, 30 mm, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको 30 mm बनाना है। और आयत के प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पर एक 90 डिग्री पर एक लाइन खींचो, लाइन खींचने के बाद इसकी लंबाई तो आपने बना दी, चौड़ाई कितनी है, 30 mm। 30 mm मतलब होता है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर प्रकार पे ले लो, 3 सेंटीमीटर प्रकार पे लेने पर ये एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इन दोनों चापों को आपस में मिला दो, इस तरीके से। ठीक है, तो बाकी भुजा के भी नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ये वाली भुजा 50 mm है और ये वाली भुजा कितनी है, 30 mm। ये वाली भुजा कितनी है, 30 mm। तो उसकी लंबाई 50 mm हो गई जो उसने बोला था, और उसकी चौड़ाई कितनी mm हो गई, 30 mm जो उसने बोला था, ठीक है। ये बन गया आपका आयत। आयत मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यदि आपको इसका केंद्र निकालना तो कैसे निकालोगे, वही तरीका है। इसके आमने सामने वाले शीर्षों को मिला दो। ये ए से सी को मिला दिया, इस ए से बी को मिला दिया। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिस बिंदु पर काटेंगे, उसे क्या कहते हैं, केंद्र। उसे क्या कहते हैं, केंद्र, ठीक है। एक 2D आकृति हो गई वर्ग, दूसरी हो गई आयत, तीसरा आप देखते हैं वृत्त कैसे बनता है। एक वृत्त की रचना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या या रेडियस कितनी हो, 20 mm। जिसकी त्रिज्या रेडियस कितनी हो, 20 mm, या फिर व्यास दे के रखेगा। व्यास मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर कितना हो, 40 mm, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 mm हो और उसकी व्यास कितना हो, 40 mm। व्यास कितना हो, 40 mm। तो सिंपल है, सबसे 20 mm त्रिज्या मतलब क्या होता है, 2 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या। तो प्रकार पर कितना सेंटीमीटर ले लो, कि 2 सेंटीमीटर ले लिया। 2 सेंटीमीटर रख के एक वृत्त की रचना कर दो, ठीक है। 2 सेंटीमीटर लेके वृत्त की क्या कर दो, रचना, ठीक है। तो ये आ गया आपका वृत्त का केंद्र, ठीक है। इसमें केंद्र निकालने की जरूरत नहीं, केंद्र डायरेक्ट मिल जाता है। और वृत्त की केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेडियस। टी एस का रेडियस हो गया कितना mm दे के रखा था, 20 mm। 20 mm क्या हो गया इसका, रेडियस। 20 mm क्या हो गया इसका, रेडियस, ठीक है। अब देखते हैं कि त्रिभुज कैसे बनता है, ठीक है। एक एक आकृति बताऊंगा कि
द्विविमीय में आकृति में आपको कौन कौन सी आकृति बनाना सीखना है। तो सबसे पहले वृत्त देख लिया, आयत देख लिया, वर्ग देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? एक त्रिभुज की रचना कीजिए, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं, भुजाएं देख के रखेगा आपको, पांच 50 mm, ठीक है। दूसरा देख के रखेगा 30 mm, ठीक है। और एक देख के रखेगा आपको 70 mm, ठीक है। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, तो तीनों भुजा की लंबाई देख के रखिए, एक 50 mm, दूसरा 30 mm, तीसरा 70 mm, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप तीनों भुजाओं में से कौन सी भुजा बनाओगे? सबसे पहले तीनों भुजाओं में से कौन सी भुजा बनाते हैं? तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बनाया जाता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बनाया जाता है। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 70 mm। 70 mm का मतलब होता है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए, 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसको ए बी नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद 50 mm उसकी दूसरी भुजा, इसको नाम दे दो, इस भुजा की लंबाई कितनी है? 70 mm। इस भुजा की लंबाई कितनी है? 70 mm, ठीक है। इसके बाद दूसरी भुजा कितनी की? 50 mm। तो प्रकार पर 50 mm लो, प्रकार पर 50 mm लेके ए बिंदु पर रखकर एक चाप काट दो, ए बिंदु पर रखकर एक चाप काट दो, ठीक है। ये 50 mm का चाप काट दिया, ठीक। उसके बाद तीसरी भुजा कितनी है? 30 mm। 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर। तो प्रकार पर कितना लो? 3 सेंटीमीटर। प्रकार पर 3 सेंटीमीटर लेके बी पॉइंट पर रखकर एक चाप, जो पुराना वाला चाप है उस पर कट कर दो, ठीक है। इस तरीके से एक बार 5 सेंटीमीटर का चाप ए पॉइंट पर रखकर काटा, एक बार 3 mm का चाप बी पॉइंट पर रखकर काटा। तो दोनों चाप जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दो, उन दोनों पॉइंट को क्या करो? आपस में मिला दो, ठीक है। इसको नाम दे दो सी। जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो कौन सा नाम है? सी। तो इस प्रकार आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्वेश्चन कैसे आएगा? तीनों भुजाएं देके रख देगा और बोलेगा त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। तो तीनों भुजा देने के बाद क्या करोगे आप कि सबसे पहले तीनों भुजाओं में से कौन सी भुजा बनाओगे? जो भुजा सबसे बड़ी है उस भुजा को बनाओगे। तो 70 mm बनाया, 70 mm के बाद इसके एक पॉइंट से 50 mm का चाप, मतलब 5 सेंटीमीटर का चाप, मतलब ये वाली भुजा कितने की आपकी? 50 mm की है। और ये वाली भुजा कितने की है आपकी? 30 mm की, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बहुभुज कैसे बनता है, तो बहुभुज में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? बहुभुज मतलब जिसकी वह आकृति जिसकी चार से अधिक भुजाएं हो, ठीक है। चार भुजाओं को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। और चार भुजाओं से अधिक भुजा वाले को क्या कहते हैं? बहुभुज। दो या फिर दो या दो से अधिक भुजा वाले आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। तो बहुभुज में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे पंचभुज कि पंचभुज कैसे बनता है, और एक पढ़ेंगे कि षटभुज कि षटभुज किस तरीके से बनता है, ठीक है। इसे कहते हैं इंग्लिश में पेंटागॉन, और षटभुज को कहते हैं हेक्सागॉन, ठीक है। षटभुज को क्या कहते हैं? हेक्सागॉन। और पंचभुज को क्या कहते हैं? पेंटागॉन। तो षटभुज और पंचभुज कैसे बनता है देखिए। तो क्वेश्चन आएगा आपका, सबसे पहला अपन देखते कि एक पंचभुज की रचना कीजिए, क्वेश्चन नोट कर लेना, एक पंचभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 50 mm की हो, जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की हो? 50 mm की, ठीक है। तो ये जब पंचभुज बोला, 50 mm बोला, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा 50 की, ठीक है। तो ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है उसे कहते हैं समपंचभुज। क्या कहते हैं उसको?
सम पंचभुज, ठीक है। या तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि एक पंचभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 50 mm की हो, या फिर पंचभुज की जगह क्या लिखा आएगा, सम पंचभुज। सम पंचभुज का मतलब होता है वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सम का मतलब होता है समान, तो वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, समान। अब एक चीज समझो, वो पॉइंट क्या है, जैसे आपको पता है कि आपने वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले एक 40 mm की लाइन खींची थी, उसके बाद 90 डिग्री के दो एंगल खींचे थे, 90 डिग्री के दो एंगल खींचे थे, ठीक। सेम इसी तरीके से जब आपने आयत बनाया था तो आयत बनाने के लिए आपने 50 mm की लाइन खींची थी, उसके बाद दो 90 डिग्री की लाइन खींची थी, ठीक है। तो आपने वो 90 डिग्री पर ही क्यों खींचा, क्योंकि आपको पता है कि आयत और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या कितने की होती है, 90 डिग्री की होती है, ठीक है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि पंचभुज की प्रत्येक कोण कितने का होता है, यदि मैं आपसे पूछूं कि पंचभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, तो आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि आपको बस दो चीज़ें पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण और आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो उसके लिए क्या करें, सभी चतुर्भुज, सभी बहुभुज, बहुभुज के अंदर चतुर्भुज भी आ जाता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा रेखाओं से बनी आकृति, दो या दो से ज़्यादा रेखाओं से बनी आकृति को कहते हैं बहुभुज, और उसके अंतः केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः केंद्र का फॉर्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री अपॉन में n, ठीक है, जहां n क्या है, n भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये है कि उसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री की होती है, अंतः केंद्र का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे आपको पता है कि त्रिभुज, सॉरी, वर्ग का अंतः कोण कितने का होता है, तो आप बोलोगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वर्ग मतलब कितनी भुजा, चार, तो यहाँ पर n की वैल्यू चार रख दो तो 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू चार रख दोगे तो कितना आएगा, देखना, n की वैल्यू में यदि चार रख दो तो कितना आएगा, चार माइनस दो मतलब दो इंटू 180 डिग्री अपॉन में n की वैल्यू कितनी है, चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा, 90, ठीक है, तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का, और आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, वो भी 90 डिग्री का। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी आकृति, किसी भी बहुभुज का, सम बहुभुज होना चाहिए, ठीक है, किसी भी बहुभुज का अंतः केंद्र निकाल सकते हो, किसी भी बहुभुज का अंतः केंद्र निकाल सकते हो। तो हमको क्या बनाना है, पंचभुज, तो पंचभुज का अंतः केंद्र कितने का होता है, हम क्या करेंगे, n बराबर 5 रख दो, n बराबर फॉर्मूले में 5 रख दो, पंचभुज मतलब जिसकी पांच भुजाएं हो, पंचभुज मतलब जिसकी पांच भुजाएं हो, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यहाँ पर यदि एंगल की बात करें तो 5 माइनस 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 5, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 5, 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 थी 15 और 5 छः की 30, 36 इंटू 2 कितना हो गया, 108 डिग्री, ठीक है। तो पंचभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 108 डिग्री, पंचभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 108 डिग्री। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। अब पंचभुज कैसे बनाओगे देखना, सबसे पहले पंचभुज की प्रत्येक भुजा कितने की है, 50 mm की, तो 50 mm पर एक लाइन खींचो, 50 mm पर एक, ये मैंने लाइन खींचा, ठीक है, ये एक ए बी है, ए बी एक भुजा जिसकी प्रत्येक कोण कितने का है, 50, प्रत्येक भुजा कितने की, 50 mm की, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, वर्ग बनाते हो तो 90 डिग्री पर दो लाइन खींच देते हो, आयत बनाते हो तो भी 90 डिग्री पे दो लाइन खींच देते हो, क्यों, क्योंकि उनका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब आपको क्या बनाना है, पंचभुज, पंचभुज बनाना है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 108 डिग्री का। तो इन दोनों पॉइंट पर 108 डिग्री पर एंगल बना दो, इस दोनों पॉइंट पर 108 डिग्री पर क्या बना दो, एंगल बना दो, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, 108 डिग्री मेजर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, 108 डिग्री मेजर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस कारण से यहाँ पर हम लिखेंगे 108 लेकिन खींचेंगे कितने का, 110 डिग्री का, ठीक है। 108 डिग्री का एंगल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए इसके नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट एंगल कौन सा, 110, तो 110 को मेजर करना आसान होता है, तो हम 108 की जगह कितने का एंगल बनाएंगे, 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे, लेकिन लिखेंगे कितना, 108 डिग्री, ठीक है। ये ये 105 डिग्री के
ये एक लाइन थी जी, यहाँ पर भी यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी 105 डिग्री पे लाइन थी, जो देखिए मैंने 105 108 डिग्री पे दो एंगल खींच दिए, ये एक एंगल खींचा 108 डिग्री और ये एक एंगल खींचा 108 डिग्री, ठीक है। वर्ग के केस में 90-90 डिग्री के दो एंगल खींचते थे, लेकिन पंचभुज के केस में 108 डिग्री के एंगल खींचेंगे, ठीक है। तो 108 की जगह मैंने यहाँ पर कितने का बनाया, 110 डिग्री का बनाया, क्योंकि 108 को मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो बनाएंगे 108 सॉरी बनाएंगे 110, लेकिन लिखेंगे कितना 108। उसके बाद क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर के दूरी ले लेंगे प्रकार पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, ठीक है। इस पॉइंट पर रखा, ए पे रखा तो 5 सेंटीमीटर का चाप एक यहाँ पर, इस पॉइंट पर रखा तो 5 सेंटीमीटर का चाप एक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रखा, इस पॉइंट पर रखा एक चाप यहाँ पर, इस पॉइंट पर रखा तो ये जो पिछला चाप था उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक देखना, दोनों पे क्रॉस पॉइंट मिला, इन दोनों क्रॉस पॉइंट को आपस में मिला दो, इस तरीके से ना, ये क्या बन गया आपका, एक पंचभुज बन गया, ठीक है। पंचभुज मतलब पांच भुजा, 1 2 3 4, ये पांच भुजा हो गई, ठीक है। इसका नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। तो किस तरीके से बनाया पंचभुज हमने, फिर से बताता हूँ। उसने 50 mm बोला तो 50 mm की एक लाइन खींची, 50 mm बोला तो 50 mm की एक लाइन खींची। आपको पता है कि पंचभुज का प्रत्येकोण कितने का होता है, 108 डिग्री का, ठीक है। इस किससे निकाला, इस फॉर्मूले से निकाला, तो 108 डिग्री का कोण यहाँ पर, 108 डिग्री का कोण यहाँ पर। तो 108 डिग्री बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए 110 बनाया, लेकिन लिखेंगे कितना, 108 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर प्रकार पर लेकर एक चाप यहाँ पर, एक चाप यहाँ पर, ठीक है। फिर जो चाप काटा उस पर रखकर एक चाप यहाँ पर, और यहाँ पर रखकर एक चाप यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते उसको डी नाम दे दिया, ई से डी को मिला दिया, सी से डी को मिला दिया, ठीक है। तो ये जो आकृति बनी है कौन सी आकृति है, पंचभुज, ठीक है। तो अब आप पंचभुज बनाना सीख गए, किस तरीके से पंचभुज बनाओगे, ठीक। अब देखते हैं कि षडभुज कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि एक षडभुज की रचना कीजिए, जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की हो, 50 mm की हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए षडभुज प्रत्येक भुजा 50 mm की, मतलब हर एक भुजा 50 mm की होगी, ठीक है। पहले इसका कोण निकालो कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो एंगल बराबर हमने क्या पढ़ा था कि एंगल बराबर होता है सर n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n, ठीक है। एन की जगह कितना रखोगे, एन बराबर 6 रखोगे। षडभुज मतलब जिसकी 6 भुजा होती है, वह आकृति जिसकी 6 भुजा होती है षडभुज कहते हैं, तो जिसकी 5 भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, पंचभुज। तो एन की जगह कितना रखोगे, 6, तो 6-2 4 इंटू 180 बटे 6, 6 कम 6, 6 3 18, ये कितना आ गया, 120 डिग्री। मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का, मतलब षडभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 50 mm की एक लाइन खींचो, यहाँ दिख रहा है, ये 50 mm की एक यहाँ पर, ये 50 mm की एक अपने लाइन खींची, ठीक है। इसको नाम दे दो ए बी, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 50 mm। उसके बाद क्या करेंगे, उसका प्रत्येक कोण कितने का है, 120, ठीक है। यदि वर्ग होता तो 90 डिग्री की लाइन खींच देता, आयत होता तो भी 90 डिग्री पर लाइन खींच देता, पंचभुज होता तो 108 डिग्री पर दो लाइन खींच देता, लेकिन है क्या ये षडभुज, तो 120 डिग्री पर दो लाइन खींच देंगे। 120 डिग्री आप अपने डी से खींचिए, देखिए कैसे करते डिग्री यहाँ पर भी रखोगे उसको,
ये 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री पर दो लाइन खींच दी अपन ने, ये एक लाइन और आपका ये एक लाइन, क्लियर है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसकी प्रत्येक भुजा कितनी की, 50 mm, तो 50 mm इस पर ले लो, प्रकार पर, ये प्रकार पर मैंने 50 mm की दी थी, यहाँ से रखकर एक 50 mm का चाप यहाँ पर रखकर एक 50 mm का चाप यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, तीन भुजाएं बन गई। बाकी तीन बनाना, बाकी तीन कैसे बनाओगे देखना, पंचभुज बनाना रहता तो यहाँ पर एक रखकर, यहाँ पर रखकर एक चाप यहाँ काट देते और यहाँ पर रखकर एक चाप यहाँ काट देते तो एक भुजा बन जाती। लेकिन हमको क्या बनाना, षटभुज। तो षटभुज बनाने के लिए क्या करो, रोलर स्केल को इस पॉइंट पर सेट करो, ठीक है, रोलर स्केल को इस पॉइंट पर सेट करो और इसके समांतर एक लाइन खींचो जो इस पॉइंट से होकर जाए, ठीक है। रोलर स्केल को इस पॉइंट पर सेट करा, ठीक है, और इसके समांतर ये जो लाइन आई इसके समांतर एक लाइन खींचो जो इस पॉइंट से रोका जाए, ठीक है। रोलर स्केल को यहाँ पर रखकर एक समांतर लाइन खींचना जो इस पॉइंट से होकर जाए, ये देखना इस तरीके से, ठीक है। सेम इसी तरीके से रोलर स्केल को यहाँ पर रखो, ठीक है, इसके समांतर एक लाइन खींचो जो इस पॉइंट से रोकर जाए, ठीक है, जो इस पॉइंट से होकर जाए, खींच दिया, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट पर रखकर एक 50 mm का चाप यहाँ पर और इस पॉइंट पर रखकर एक 50 mm का चाप यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों चाप को आपस में मिला दो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आकृति बनी, ये आकृति किसकी बनी, ये षटभुज की आकृति बनी, तो उसका नाम दे दो ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। जहाँ तक समझ में आ गया कि षटभुज कैसे बनाओगे, यदि आपको एग्जाम में पूछे कि षटभुज का केंद्र निकाल के बताओ, षटभुज का केंद्र निकाल के बताओ तो कैसे, षटभुज का केंद्र भी इसी तरीके से निकालते, इसके आमने सामने वाली भुजाओं को मिला दो, आमने सामने वाले शीर्ष को मिला, जैसे ए के सामने वाला शीर्ष कौन सा है, डी, तो ए से डी को मिला दिया, ई के सामने, एफ के सामने वाली शीर्ष कौन सा है, सी, तो एफ से सी को मिला दिया। कोई से भी दो शीर्ष, आमने सामने वाले शीर्षों को आपस में मिला दो, तो मैंने ए से डी को मिला दिया, एफ से सी को मिला दिया, तो ये दोनों पॉइंट जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, वो दोनों पॉइंट जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्र, उसे क्या कहते हैं आप, केंद्र, क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार हम पंचभुज का भी देखते हैं कि पंचभुज का केंद्र किस तरीके से निकलता है, पंचभुज का केंद्र किस तरीके से निकलता है, देखिए देखिए ये पंचभुज है, ठीक है। अब पंचभुज का केंद्र निकालने के लिए आप इसमें ऐसा नहीं करोगे कि पंचभुज की प्रत्येक आमने सामने वाले शीर्षों को मिला दें, ध्यान देना, इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि इसके आमने सामने वाले शीर्षों को आपस में मिला देते, ठीक है। इससे इसको मिला दोगे, इससे इसको मिला दोगे, लेकिन इसके सामने वाला कोई शीर्ष है क्या, इस डी के सामने कोई शीर्ष है क्या, नहीं है, मतलब इसमें शीर्षों को नहीं मिलाते, इसमें केंद्र को निकालने के लिए शीर्षों को नहीं मिलाते, तो करते क्या है समझो, इसको करने के लिए क्या करो, ये जो भुजा है, ठीक है, ये जो भुजा है, इस भुजा की आधी लंबाई लो, तो 50 mm की भुजा है, 50 mm का आधा कितना होता है 25, तो मतलब 2.5 cm पर एक पॉइंट लो, ठीक है, 2.5 cm पर एक पॉइंट लिया। ये वाली भुजा की लंबाई कितनी है 50, तो 50 का आधा कितना होता है 2.5, तो 2.5 cm पर एक पॉइंट लिया, 2.5 cm पर एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट से एक लंबवत लाइन खींच दो, इस पॉइंट से एक लंबवत 90 डिग्री वाली लाइन खींच दो, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये पूरी भुजा 50 की थी, 50 का आधा कितना होता है 2.5, और 2.5 cm की दूरी लेके एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु पर एक लंबवत लाइन खींच दी, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पर एक लाइन खींच दी, हल्की सी एक
लाइन की थी, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस भुजा के ऊपर ये वाला 2.5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इस 2.5 सेंटीमीटर वाले लाइन के ऊपर भी एक लंबवत लाइन खींचती, ठीक है। ये दोनों लंबवत लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं, ये दोनों लंबवत लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, केंद्र। उसे क्या कहते हैं, केंद्र। आया समझ में? फिर से बता रहा हूँ, पंचभुज के केस में आमने सामने वाले भुजा को मत मिलाना, केंद्र के जब केंद्र निकालना तो आमने सामने वाले शीर्षों को नहीं मिलाते। किस में? पंचभुज के केस में, ठीक है। उस केस में क्या करते हैं, जितनी भुजा हो उसकी आधी लंबाई पर, 50 का आधा 25 लंबाई पर एक लंब खींचा। सेम प्रोसेस दूसरी भुजा पर भी करा, ये इस भुजा की लंबाई कितनी 50, तो 50 का आधा 25, 25 पर एक लंब खींचा। ये दोनों लंब एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते तो वही क्या होता है आपका केंद्र, वही क्या होता है आपका केंद्र, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। तो मैं आपको षटभुज बनाने की और एक विधि बताता हूँ, मैं आपको षटभुज बनाने की और एक विधि बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप बहुत जल्दी बना पाओगे, जिससे आप बहुत जल्दी षटभुज को देखिए, षटभुज बनाने की व्रत वाली विधि क्या होती है, ठीक है। षटभुज व्रत के जरिए किस तरीके से बनाते हैं, तो क्वेश्चन क्या आएगा, वही वाला क्वेश्चन है, वही वाले क्वेश्चन को हम व्रत से कैसे बनाते देखिए, कि एक षटभुज की रचना कीजिए, एक षटभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, वही 50 mm, वही 50 mm, ठीक है। तो एक विधि तो हमने देख ली, एक मेथड तो हमने देखा कि सबसे पहले 50 mm की एक लाइन खींची, दोनों पॉइंट पर 120 डिग्री के दो लाइन खींचे, इन दोनों लाइन पर 50-50 mm के दो चाप काटे, इसके समांतर एक लाइन खींचा, इसके समांतर एक लाइन खींचा, ठीक है। फिर इन दोनों लाइन पर 50-50 mm के दो चाप काटे, ठीक है, इन सभी चापों को फिर आपस में मिला दिया। इस तरीके से एक विधि से आप षटभुज की रचना कर सकते हो, और एक किस विधि से आप षटभुज की रचना कर सकते हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं व्रत विधि, ठीक है, इसे कहते हैं व्रत विधि। और व्रत विधि की सहायता से आप बहुत जल्दी षटभुज बना सकते हो, व्रत विधि की सहायता से बहुत जल्दी आप षटभुज बना सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले क्या बोला उसने, 50 mm उसकी भुजा होनी चाहिए, ठीक है। तो 50 mm प्रकार पर लो, जितना mm बोले उतना mm प्रकार पर लेकर एक व्रत की रचना कर दो, ठीक है, जितना mm बोले उतना mm लेकर व्रत की रचना कर दो। इसके केंद्र से एक व्यास की रचना करो, व्यास पता ना वह रेखा जो ये, इसके केंद्र से एक व्यास की रचना करी, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर मिला, एक पॉइंट यहाँ पर मिला, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर, इसको ए बी नाम दे दो, ये ए और बी, कुछ भी नहीं करा, जितना सेंटीमीटर बोला उतने सेंटीमीटर का क्या बना दिया, व्रत बना दिया, व्रत का व्यास बना दिया, ठीक है। व्यास के एक सिरे पर यह यहीं पर ही, ठीक है। अब प्रकार को मत हिलाना, प्रकार को 5 सेंटीमीटर ही लगना, एक चाप यहाँ पर, एक चाप यहाँ पर, ठीक है। फिर एक बार व्यास के दूसरे किनारे पर रखकर एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ पर, ठीक है, एक बार प्रकार को यहाँ पर रखकर एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, ठीक है, सेम एक बार प्रकार को यहाँ पर रखकर एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ पर, ठीक है। फिर इन चापों को आपस में मिला दो, कि आपका बन जाएगा फटाफट षटभुज, ये देखना इस तरीके से, ये इन चापों को क्या करो, आपस में मिला दो, ठीक है, ये बन गया आपका षटभुज, ये बन गया आपका षटभुज, इसका नाम दे दो ए बी सी डी और ये ई एफ। और इस केस में आपको केंद्र निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस केस में आपको केंद्र ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ये क्या हो गया व्रत, सॉरी षटभुज का भी केंद्र हो गया, ठीक है। ये वाली विधि बहुत सिंपल विधि है, इससे आप षटभुज को बड़े ही आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए आपकी 2D आकृति, मतलब द्विभुजीय आकृति क्या क्या होती है और उसको किस तरीके से बनाते हैं, आज हमने वो देखा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए कि इसको किस तरीके से बनाया, एक बार आप बिना देखे बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो यदि इस लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ओके, थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।